दिल्ली के सीएम केजरीवाल के अमित शाह बनेंगे अगले प्रधानमंत्री वाले बयान पर अब गृह मंत्री की टिप्पणी आई है। केजरीवाल के मुताबिक अगर इस बार बीजेपी चुनाव जीतेगी तो अगले प्रधानमंत्री अमित शाह ही बनेंगे। इस पर जवाब देते हुए शाह ने यही कहा कि भाजपा के संविधान में ऐसा तो कुछ नहीं लिखा है, पीएम मोदी हैं और अपना कार्यकाल पूरा होने पर वो ही फिर से देश के पीएम बनेंगे। तो अगर वो 75 वर्ष के हो रहे हैं फिर भी विपक्ष को इसमें खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने अपने पार्टी मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को आज संबोधित करते हुए कहा कि वो तो अगले साल रिटायर हो जाएंगे, तो अब वो अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। क्या शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? वहीं अरविंद केजरीवाल ने ये भी दावा किया कि अगर बीजेपी फिर सत्ता में आए तो 2 महीने के अंदर ही उत्तर प्रदेश का सीएम बदला जाएगा। जब केजरीवाल जेल में थे तो बीजेपी ने उनसे इस्तीफा मांगा था। इस्तीफा नहीं देने पर उनका कहना था कि मुख्यमंत्री का पद मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, मैंने इसलिए इस्तीफा नहीं दिया क्योंकि मुझे झूठे जाल में फंसाया गया। अमित शाह बोले कि हम 3 चरण में अभी तक 200 के करीब पहुंच गए और 4th चरण भी हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। 4th चरण में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी मतदान है। 4 जून को परिणाम आएंगे तो दक्षिण भारत, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में भाजपा सबसे बड़ा बनकर उभरेगी। गृहमंत्री शाह ने कहा कि BRS और कांग्रेस पार्टी दोनों ही वोट बैंक और भ्रष्टाचार की राजनीति में डूबे हुए हैं। परिवारवाद, भ्रष्टाचार, खराब शासन और तुष्टिकरण ही इनकी उपलब्धि है। ये लोग CAA का विरोध करते हैं, 370 हटाने का विरोध करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है जो पूरे देश के लिए हानिकारक है, ये 4% का मुस्लिम आरक्षण तेलंगाना में लाए हैं। जब भी बीजेपी सरकार यहाँ आएगी तो हम यहाँ पर मुस्लिम आरक्षण को ख़त्म करेंगे।